हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर ऑल सेफ, यू आर ऑल एट होम। वेल, इस लॉकडाउन के समय में मैं आपके साथ हर दिन बना हुआ हूँ, हर दिन कुछ नई रेसिपी लेके आ रहा हूँ। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट यू हैव एंजॉयड दीज रेसिपीज। वेल, मुझे बहुत मजा आया है आपसे ये शेयर करने में। वेल, बहुत सारी रेसिपीज हमने आपको मेन कोर्स की दिखाई, लेकिन आज एक चाय के साथ की रेसिपी दिखा रहा हूँ। एक बढ़िया सी करारी सी मुठिया, जिसे मठरी भी बना सकते हैं आप। शेप आप जो भी दें, नाम आप जो भी दें, लेकिन बनेगी ये लौकी के छिलकों से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारी, इसलिए कहता हूं रुकिए मत, फेंकिए मत। वेल, आपने अगर लौकी की सब्जी बनाई है तो पील्स को फेंकिए मत, उन्हें पतला पतला काट लीजिए और इन्हें इस मुठिया में डाला जाएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लौकी के छिलके अच्छे से चॉप कर लिए हैं, अब इनमें मसाले डाले जाएंगे। सबसे पहले नमक, साथ में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। मुठिया बनता है बेसन से, बेसन इसे खस्ता भी करता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा देता है। जितना लौकी के छिलके उतना ही बेसन। वेल, इसमें लौकी के छिलके, मसाले, बेसन ये सब जा चुका है। अब मुठिया का जो डो बनता है उसमें ऑयल अच्छा खासा जाता है। साथ में डालेंगे कसूरी मेथी या सूखी मेथी अगर आपके पास है, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। अब इस डो को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो ऑयल है वो इसे रिच बनाएगा। और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा पानी, क्योंकि लौकी के छिलके भी पानी छोड़ेंगे, और इससे मुठिया का एक टाइट डो बना लिया जाएगा। डो हैज़ टू बी टाइट, इसलिए पानी बिल्कुल हल्का जाना चाहिए। मुठिया का डो तैयार है एंड यू सी दैट द डो इज नाइस एंड थिक। अब बेसिकली मुठिया का जो शेप होता है वो होता है मुट्ठी का शेप, यानी कि ये शेप। और अगर आपको ये शेप नहीं बनानी तो आप मठरी का शेप भी बना सकते हैं, विच इज जस्ट मेक इट थिन, मेक नाइस थिन मठरीज आउट ऑफ इट। अब डीप फ्राइंग के लिए तेल गरम कर लेते हैं। अब ये छोटी छोटी मुठिया बना के मीडियम हॉट ऑयल में इसे फ्राई किया जाएगा, ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, बाहर से बिल्कुल खस्ता, अंदर से पक जाए। और अगर आप चाहें तो इसकी अलग शेप्स भी बना सकते हैं, मठरी शेप भी बना सकते हैं, गाठिया शेप बना सकते हैं, जो आप चाहें वो बना सकते हैं। बढ़िया गोल्डन ब्राउन, खस्ता, करारी, मुठिया, गाठिया और मठरी, तीनों बना दीजिए हमने तो। बढ़िया चाय के साथ मजेदार। चलिए, टाइम टू ब्रिंग इट आउट। लौकी के छिलके आप फेंकने वाले थे ना, लेकिन आप नहीं फेंकेंगे कभी भी, क्योंकि बहुत अच्छा यूज है उसका। ये आप बना के एक मर्तबान में रख लीजिए, हफ्तों हफ्तों तक चलेगी। चाय की सुड़की मारिए और साथ साथ मुझे याद करिए, क्योंकि ये है ही बहुत टेस्टी। ये लॉकडाउन का समय हमें बहुत कुछ सिखा भी रहा है और बहुत नई नई डिशेस खिला भी रहा है। वेल, इसलिए मैं कहता हूँ रुकिए मत, फेंकिए मत, क्योंकि ये गाठिया, ये मठरी आप चाय के साथ खा सकते हैं, और ये जो मुठिया बनाया ना इसे ऐसे भी खा सकते हैं, और इसकी ग्रेवी बना के भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया बनती है, वो भी किसी दिन दिखाऊंगा।